नमस्कार दोस्तों, स्वामी न्यूज चैनल के फेसबुक पेज पर मैं दुर्गेश आबरा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम हैं अजमेर के कोतवाली थाने में और यहां पर देखिए कल हमने एक लाइव के माध्यम से आपको एक खबर बताई थी जिसमें एक सुबह लगभग 8 से 9 बजे के बीच में श्री टॉकीज के पास मेहता मार्केट के पास से एक बुजुर्ग के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात हुई थी जिसमें जो बुजुर्ग अपनी दुकान के बाहर बैठा हुआ था और एक युवक पतला सा युवक काले कलर की शर्ट और कैप पहनकर जो मुंह पर रुमाल बांधकर वो आता है और उनको ध्यान भटकते ही उनके गले से चैन तोड़कर भाग जाता है। देखिए यही वो दोनों युवक हैं जिन्होंने इस वारदात को पूरा अंजाम दिया है। पुलिस ने एक दिन के अंतराल में ही इन दोनों को धर दबोचा है। देखिए कई सारे खुफिया तंत्र जो है इनके पीछे लगाए गए और जो अटल सेवा केंद्र के ऊपर जो कैमरे का पूरा सिस्टम पूरा जो पुलिस प्रशासन का लगा हुआ है और कैमरे भी खंगाले गए और ये जो एक शख्स है इनमें से वो पूरी वारदात को करते हुए उस कैमरे में कैद भी हुआ है जहां पर ये वारदात घटी थी उन्हीं की दुकान में ये कैमरे में कैद भी हुआ है। देखिए एक बार पास से बता दें यही वो दोनों लड़के हैं जिन्होंने चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। देखिए ये हरे रंग की टी शर्ट में जो है ये उसमें दिख रहा है यही वो शख्स है जो चैन तोड़कर भागा था और जो है बुजुर्ग की लगभग वो जिस प्रकार से उन्होंने जानकारी दी थी 2 से 3 तोले की चैन वो सोने की चैन थी जिसको वो तोड़कर जो है वहाँ से फरार हो गया था लेकिन इसको ये अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हो सकते हैं। सीसीटीवी कैमरे की वजह से ये दोनों जल्दी से जल्दी पकड़े गए हैं। देखिए पुलिस ने इसमें मामले में अच्छी भूमिका निभाई है क्योंकि लगभग 3 से 4 चैन स्नैचिंग की वारदातें पूरे अजमेर में हो चुकी है जिसमें 2 पुलिस थानों को सफलता मिली है जिसमें से दूसरा पुलिस थाना कोतवाली है तो पहला रामगंज है। वहाँ पर भी जो है रामगंज पुलिसकर्मी जो है उनकी मदद से कुछ समय पहले रामगंज में एक महिला के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात हुई थी उसके भी जो मुलजिम था उसको भी धर दबोचा है। उसने जो कबूला है वो यही कबूला है कि भाई के नशे की वारदात में नशा करने की वजह से जो है उसने चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। और अब ये दूसरे जो है ये श्री टॉकीज के पास मेहता मार्केट में एक बुजुर्ग के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात हुई थी जिसको पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए पूरे 24 घंटे के अंदर ही इन दोनों को पुलिस ने अपने गिरफ्त में लिया है और भी वारदातें इनसे निकल सकती हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं, पहले इनका कोई आपराधिक तत्व मामला कोई दर्ज है या नहीं है। देखिए पुलिस इनको अंदर लेके जा चुकी है। जो यहाँ के पुलिस के जो अधिकारी हैं देवराम जी एक बार उनसे भी बात करेंगे क्योंकि मीडिया को पूरी जानकारी वही देंगे इनको कहाँ से पकड़ा, कौन कौन पुलिसकर्मी इस पूरी टीम में शामिल थे पकड़ने में, दूसरा जो है कितना समय इनको पकड़ने में लगा और किस प्रकार से पुलिस ने कैमरे खंगाले हैं, क्या रहा पूरी चीज में। मैडम से भी बात हुई, उन्होंने देवराम जी का नाम लिया। देखिए जो पुलिस है यहाँ कोतवाली थाने के जो अधिकारी हैं एक बार उनसे बात कर लेंगे क्योंकि पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ वही बताएंगे क्या पूरा मामला हुआ है। चलिए एक बार वो पूरी वारदात का सीसीटीवी जो फुटेज कल का था वो एक बार वापस हम आपको बता देते हैं जब तक पुलिस पूरी तरीके से जानकारी देने के लिए तैयार ना हो जाए तब तक। देखिए कल की ये घटना है, कोतवाली थाना क्षेत्र में ये घटना घटी थी, श्री टॉकीज के पास मेहता मार्केट में ये घटना घटी थी। एक बार मैं पूरा वीडियो जो है आपको बता रहा हूँ। देखिए यही वो लड़का है, देखिए गले से चैन तोड़कर बिल्कुल भागते हुए दिखाई दे रहा है। ये बुजुर्ग जो व्यक्ति है उसके पीछे भागे भी लेकिन उसका पीछा नहीं कर पाए। चलिए एक बार और फिर से मैं आपको यही वीडियो वापस दिखा देता हूँ। देखिए काली शर्ट में आपको यहाँ लड़का दिखाई दे रहा है, देखिए चैन तोड़कर ये भागा है। कोतवाली थाना पुलिस ने इनको सतर्कता दिखाते हुए जल्दी से जल्दी जो है कस्टडी में ले लिया है और इनसे लगातार पूछताछ कर रही है कोतवाली थाना पुलिस। और भी जो वारदातें हैं जो अजमेर शहर में चैन स्नैचिंग की वारदातें जो घटी हैं हो सकता है वो भी और चोरी की वारदातें भी इनसे और ज़्यादा निकल पाए। दोस्तों बता दें कि
रामगंज थाना पुलिस को भी इस प्रकार से एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रामगंज थाना पुलिस ने भी एक चाइनीज स्नेचर को आज न्यायालय में पेश किया है, क्योंकि वहां पर भी चाइनीज स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था एक व्यक्ति के द्वारा। उसने कबूला है नशे की हालत में उसने इस प्रकार का जो है नशे की हालत में वो था, और उसके नशे की हालत में होने के कारण ही जो है उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। क्योंकि कोतवाली थाने में भी हम हैं, और कुछ ही देर में जो पुलिस है इस खुलासा पुलिस ने कर दिया है, दो व्यक्ति इसमें दो युवक ही हैं जो इसमें दिखाई दिए हैं, उनकी तस्वीरें हमने आपको स्टार्टिंग में दिखा दी हैं। और अब जो है एक बार पुलिस से बात करके पुलिस की भी पूरी जानकारी ले लेंगे, कहाँ से इनको पकड़ा है, कहाँ के ये रहने वाले हैं, किन मकसद को लेकर इन्होंने इस वारदात को पूरा अंजाम दिया है। देखिए कोतवाली थाना क्षेत्र की ये घटना थी, कल की सुबह की ये घटना थी। लगभग 8 से 9 बजे के बीच में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं जो अपनी दुकान पर शेरी डॉगेज के पास, मेहता मार्केट के पास उनकी दुकान है, वहाँ पर वो बाहर कुर्सी लगाकर बैठे थे, एक व्यक्ति से बात भी कर रहे थे। CCTV में पूरी वारदात ये कैद हुई है, और उसी को देखते हुए उस लड़के ने इसी बात का मौके का फ़ायदा उठाया, और कुछ ही देर में जब वो दूसरे व्यक्ति उस बुज़ुर्ग व्यक्ति से जो कि पीड़ित है उससे जब बात करके फ्री हुए, तो तुरंत इस काली शेड में खड़े हुए लड़के ने जो है उनके गले पर झपट्टा मारा और उनकी सोने की चेन उड़ाकर हाथ सफा कर कर ले गए। पुलिस ने इन दोनों को पकड़ लिया है। देखिए दोनों ही अजमेर के रहने वाले हैं, दोनों युवक अजमेर के रहने वाले हैं जिन्होंने चैन तोड़ी है। दोनों युवक इसमें से एक का नाम सचिन है, एक का नाम दिनेश है। सचिन में वारदात की, जो सचिन है वो CCTV फुटेज में वारदात करते हुए बिल्कुल दिखाई दे रहा है। चलिए एक बार जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। सचिन पूरी तरीके से इसमें इन्वॉल्व था, और जो दिनेश है वो उसको आगे लेकर बाइक पर इसको इंतजार कर रहा था। उसने जैसे ही वारदात को अंजाम दिया तो दिनेश उसको गाड़ी पर बैठा कर ले गया। ठीक है, कुछ ही देर में बस जो है पुलिस ने फोटो उनके करा दिए। चलिए दोस्तों, पुलिस ने अभी जो है फोटो उनके करा दिए, उनको कस्टडी में ले लिया है, और भी वारदातें उनसे खुलने की संभावना है। स्वामी न्यूज़ चैनल के फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।